पहले तो पावर का मतलब समझ लीजिएगा, आप बड़े पावरफुल हैं, मतलब का बस हो गया भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क ये पावर होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर का मतलब क्या होता है कि वो जितनी एनर्जी डिसिपेट करता है, खर्च करता है, उसी खर्च करने वाले एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं, तो जितनी एनर्जी वो डिसिपेट करता है वो उसका पावर कहलाता है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है एसी सर्किट में या इलेक्ट्रिसिटी में? तो पावर का हमने बताया था सबसे सस्ता वाला फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी, ये मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, क्यू इंटू वी बाई टी, और क्यू बाई टी क्या होता है, आई, तो वी इंटू आई यहाँ पर क्या होगा, पावर। लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं कि एसी सर्किट में क्या क्या हो सकता है, एल हो सकता है, सी हो सकता है, आर हो सकता है, मिक्सिंग हो सकती है, लेकिन आर होना चाहिए, जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक पावर का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, पहले तो एक जनरल फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं कि एवरेज पावर डिसिपेशन होती क्या है, ठीक है। तो एवरेज पावर इन एसी सर्किट की हम बात करने जा रहे हैं, या पावर ही लिख देते, ये पावर इन एसी सर्किट फार्मूला समझ में आ गया। हमने मान लिया कि सपोज करिएगा एक एसी सर्किट है और उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, तो हमने कहा लेट वोल्टेज अप्लाइड कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, या तो माइनस फाई है या तो प्लस फाई, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्किट, सर्किट के नेचर पे डिपेंड करता है। एक सेकेंड, तो हमने मान लिया कोई भी सर्किट है, वो एल है, सी है, आर है, जो भी है, फेज डिफरेंस जो वी और आई के बीच में है वो फाई है। तो पावर का फॉर्मूला इसमें क्या होगा, पावर इन इस सर्किट वी इंटू आई, यानी ये इंस्टेंटेनियस पावर है, वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, और वो इंस्टेंटेनियस करंट है। वी का फॉर्मूला क्या हो गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, प्लस समझ लीजिएगा, बाद में नोट करिएगा। तो इसको देखेंगे तो वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको खोलेंगे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यह आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। जब उसको ओपन करेंगे वी नॉट आई नॉट, तो आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस, ये इससे होगा मल्टीप्लाई, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है, इंटू ही है, वो प्लस लग रहा है, वो इंटू ही है। चलिए अब ठीक है, अब देखो हम यहाँ थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई के टू को देखिए, टू साइन ए कॉस ए फॉर्मूला किसका होता है, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया आपका वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस वन बाई टू, यह आएगा साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाई, यही आएगा, पहुँचे यहाँ तक। अभी पावर डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पर, टाइम चेंज भाई टी, यहाँ कौन चेंज हो रहा है, वेरिएबल कौन है, टी है ना, तो टी चेंज होता रहेगा तो पावर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो हमको तो एवरेज पावर चाहिए। तो अगर हम एवरेज पावर की बात करेंगे, एवरेज पावर इसको पी से हम डिनोट कर रहे हैं, ये एक तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिया है, और इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, हिंदी में क्या कहते हैं, कभी कभी हिंदी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम जब एवरेज पावर की बात करेंगे, एवरेज पावर, यहाँ पावर डिसिपेशन की बात आ रही है, डिसिपेशन मतलब होता है जितना वो सर्किट पावर लॉस करेगा, डिसिपेट करेगा, खर्च करेगा, और वो खर्च जो करेगा वो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, वही तो काम करते हैं हम। एक रेजिस्टेंस होता है, उसमें करंट फ्लो करते हैं, उसमें पावर लॉस होती है, हीट के फॉर्म में होती है, हीट का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो एवरेज पावर की हम बात करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, पी बार, इसमें एवरेज वैल्यू किसकी चेंज होगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हमने बताया है एक बार, वन बाई टू होती है, हमने प्रूव किया था ना,
देखो कॉस थीटा कॉस टू थीटा मतलब मैं एंगल का मल्टीपल अगर दिया हुआ है कॉस में तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कॉस की प्लस वन और मिनिमम क्या होती है माइनस वन, एवरेज वैल्यू क्या होती है ज़ीरो एंगल चाहे जो हो। ठीक है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन मिनिमम वैल्यू माइनस वन एवरेज वैल्यू ज़ीरो, यानी ये साइन टू ओमेगा की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो। कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो एक साइकिल में प्लस वन दूसरे साइकिल में माइनस वन और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू वन बाई टू, मालूम है ना कहाँ से आया था? हमने बताया था कि कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर उधर ले आओ तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। भाई साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू मतलब इसकी एवरेज वैल्यू, अब एवरेज वैल्यू मतलब यहाँ कौन चेंज होगा थीटा, तो आप जब यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालोगे तो कॉस टू थीटा लिखा है ना, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है प्लस वन मिनिमम माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो यहाँ बचेगा क्या वन बाई टू बचेगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई टू। तो देखिए उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन बाई टू हो जाएगी। तो जब हम एवरेज की बात करेंगे पी बार तो क्या आएगा वी नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा वन बाई टू इंटू साइन सॉरी इंटू कॉस फाई। ठीक है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो, ये तो स्टेप खत्म हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करते हैं, ये जो टू लिखा है ना इसको रूट टू हम अलग अलग कर दें, वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाई एवरेज पावर। इसको सुना है आपने वी नॉट अपॉन रूट टू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है इसको कि वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। एक्चुअली जो आपका एसी सर्किट में जो एमीटर या वोल्टमीटर रीडिंग लेता है ना उसमें अल्टरनेटिंग करंट होती है ना, तो क्या करंट का मतलब एक बार पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव ज़ीरो पॉजिटिव, तो क्या आपका जो उसका एमीटर का जो पिन होता है पॉइंटर वो बार बार ऑसिलेट करता है? एक तो इतनी जल्दी वो ऑसिलेट कर नहीं सकता, ये ना करिए भाई इतनी जल्दी वो ऑसिलेट नहीं कर सकता, खटपट खटपट होगा तो ये कर रहे हैं तो रहे हैं तो और उसके मैकेनिकल लॉस भी हो जाएगा, टूट जाएगा वो फटाफट। तो वो कौन सी वैल्यू मेजर करता है, वो वर्चुअल वैल्यू करता है, नहीं वो आरएमएस वैल्यू करता है। ठीक है तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो ये एवरेज पावर डिसिपेशन होता है इन एनी सर्किट। अभी हम जब सर्किट को डिफाइन करेंगे तो फाई की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो एक्चुअली में पावर डिपेंड किस पर कर रही है, फाई पे डिपेंड कर रही है और वैसे भी फाई पे ही डिपेंड करती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है वी इंटू आई, आई माने मैं वी माने हम, और बताओ मैं तो पहुंच गया हम आए ही नहीं, अब वहाँ खड़े हैं अपना पावर दिखा रहे हो तेरी ऐसी बात निकल बाहर निकल आए बाहर, बोले अभी तो रुक जाओ अभी मेरे वाले नहीं आए, आई आ गया वी नहीं आए क्योंकि वी और आई के बीच में फेज डिफरेंस हो तो बाद में आएंगे। तो सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है कॉस फाई पे, इसी को हम कहते हैं पावर फैक्टर। यहाँ पर जो कॉस फाई है वो क्या कहलाता है पावर फैक्टर, क्योंकि सब कुछ इसी पे पावर फैक्टर। हिंदी में क्या शक्ति गुणांक कहते हैं क्या होता है, तो पावर कोफिशिएंट होना चाहिए लेकिन कहा गया है पावर फैक्टर। ठीक है तो ये आपका ठीक है। अब सिंपल सी बात है सर्किट चेंज होगा तो फाई की वैल्यू चेंज होगी तो पावर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है नोट करिए। अब यहाँ पर अलग अलग सर्किट की हम बात करने जा रहे हैं, पहला हम लिखेंगे आर सर्किट, मतलब सर्किट में क्या हो केवल रेजिस्टेंस हो, ओनली रेजिस्टेंस हो। ठीक है तो ओनली रेजिस्टेंस के लिए आपको वी और आई के बीच का फेज डिफरेंस क्या बताया गया था ज़ीरो था, यानी वहाँ पर फाई कितना था ज़ीरो होता बताया गया था ना। तो इसमें जो एवरेज पावर होगा वो क्या होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसमें एवरेज पावर डिसिपेशन ज़्यादा होता है क्योंकि वी और आई इसमें साथ में होता है। इसीलिए जहाँ पर भी हम पावर की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टेंस ज़रूर लगाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस की एक आदत है वो गुस्सा बड़ी जल्दी होता है। ठीक है काम करता रहेगा लेकिन बड़बड़ाता भी रहेगा,
मना जाएगा, गाना बनाया बता नहीं, चाहे बनाओ काम करता रहेगा। और उस गुस्सा होने से क्या होगा, उसका हीट बढ़ जाती है, उसका टेम्परेचर, बस उसी का हम फ़ायदा उठाते हैं और अपना काम कराते हैं, रेजिस्टेंस की बात, ठीक है। दूसरा सर्किट हम लेते हैं एलआर सर्किट। एलआर सर्किट, एलआर सर्किट में फाई कितना होता है नहीं मालूम, फाई तो फाई होता है, वहाँ कोई एग्जैक्टली होती नहीं है। तो उसमें अगर हम मान लें कि लेट फेज डिफरेंस फाई है, फेज डिफरेंस फाई है, तो पहले बताइए एलआर सर्किट में वोल्टेज और करंट में लीडिंग और लैगिंग कौन करता है? वी लीड करता है, यानी करंट लैग करती है, ठीक है। अगर फाई एंगल से लैग करती है तो टेन फाई की वैल्यू क्या होती है? अब फट से आप कॉपी बनाइए, डायग्राम फट से निकालिए, वैल्यू क्या होती है, रटो नहीं। यहाँ टेन फाई क्या होता है? ओमेगा एल बाई आर होता है, मालूम है कि निकालें हम, पढ़ा है ना आपने। तो हमें पावर में फार्मूला जो होता है एवरेज पावर डिसिपेशन का, वो जनरल फार्मूला क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई निकालना पड़ेगा ना, तो कॉस फाई निकालने का तरीका क्या होता है, हम टेन फाई से एक सस्ता वाला तरीका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल फाई मानते हैं, टेन फाई का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में किन दो साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी ओमेगा एल अपान आर। तो ये क्या निकलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर तो वैल्यू आएगी क्या आएगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा, आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। इसको सुना है, कोई नाम अजीब टाइप का इसका दिखा है आपको, देखा नहीं देखा, जेड होता है ना, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक फार्मूला, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर अपान जेड। ये फार्मूला रटिएगा नहीं, मेन आपको फार्मूला ये कॉस फाई का रटना है, रटना मतलब जैसे बताया गया है। तो ये एवरेज पावर डिसिपेशन किस में होता है, एलआर सर्किट में, ठीक है। अब देखिए अगर किसी सर्किट में पावर चाहिए तो हम कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कैपेसिटर किसी सर्किट को पावर सप्लाई नहीं करता। कैपेसिटर क्या करता है, केवल दो काम करता है, एक तो इंडक्टर की जो बगैती होती है ना, बगैती जानते हो ना, बदतमीजी, इंडक्टर क्या करता है, सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, और रेजिस्टेंस तो होता ही होता है उसमें यार, क्योंकि आप कोई सर्किट बनाओगे तो वायर तो लगाओगे लगाओगे, तो वायर लगाओगे मतलब सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और चूंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड बना करके मोटर को चलाना होता है तो हमको कॉइल लगानी पड़ेगी, तो कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है ओमेगा एल, और हम चाहते हैं कॉइल अपना काम भी करे लेकिन कॉइल रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे, ठीक है। मतलब से कोई काम होता है, कहते वो काम करो जो है ना करो, आँखें ना दिखाओ, तो आँखें तो दिखा भाई, जब काम करब तो आँखें दिखाई भी करब, आँख नहीं दिखा सकते हो। तो कॉइल क्या करती है, मेन काम तो कॉइल ही करती है ना, कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो काम भी करती है, तो उसका अपना रेजिस्टेंस भी होता है, उसका नाम क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ओमेगा एल। तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो पावर के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करते, केवल हम इंडक्टर के काउंटर अटैक के लिए उसको लगाते हैं कि वो अपने रेजिस्टेंस से वो जो इंडक्टर होता है उसके रेजिस्टेंस को बैलेंस कर देता है, और नेट क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। किस केस में, जब रेजोनेंस सर्किट होता है, ठीक है। तो हम पावर में फ़िलहाल आरसी सर्किट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब ज़रा एक अजीब टाइप की करंट होती है, उसका नाम लिखते हैं वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट। शब्द से कुछ समझ में आ रहा है, वाट वाट किसकी यूनिट होती है, पावर, पावरलेस करंट। बहुत लोग देखा होगा बहुत गुस्सा होते हैं, मैं निकल निकल निकल, उनको मालूम सामने वाला निकलेगा नहीं, और निकल आया तो पीछे वाले कैसे हाथ पकड़ा देंगे, बोले बोले छोड़ भाई साहब, बस छोड़ दो, बोले छोड़ा नहीं पता चला छोड़ दिया। तो वो कौन से होते हैं, वॉटलेस करंट। जैसे कहा जाता है इनकम कम, क्या कहा जाता है, इनकम कम और खर्चा ज़्यादा, लक्षण है मिट जाने की। अब इनकम कम ऐसी चला रहे हो तो मिट जाओगे ही, और कुब्बत कम, कुब्बत माने ताकत, और गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने की। तो अगर आप में करंट है, लेकिन कैसी करंट है, वॉटलेस करंट है,
तो ऐसी करंट में तो गुस्सा आ रही तो उसड़ दिए गए। तो ये वाटलेस करंट इसमें कैसे होती है? तो कहते हैं कि अगर किसी भी कॉइल में, इफ़ किसी सर्किट में, इफ़ एनी सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टर, उसमें क्या हो, केवल इंडक्टर हो, इंडक्टर बोले तो क्वाइल, उसके पास क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है। तो अगर किसी सर्किट में ओनली इंडक्टर हो या ओनली कैपेसिटर हो, और ओनली कैपेसिटर हो, अब ज़रा समझिएगा लफड़ा क्या है, तो वहाँ पर फाई की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है। तो पावर, एवरेज पावर डिसिपेशन कितना होता है, एवरेज पावर डिसिपेशन, डिसिपेशन पी बार का फॉर्मूला क्या बताया गया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव की वैल्यू क्या हो गई, कॉस 90, यानी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो ऐसे सर्किट में करंट होने के बावजूद भी उसमें पावर डिसिपेशन नहीं होता, यानी वो सर्किट में पावर सप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल मतलब, अब फिजिक्स का मतलब मैं बाद में बात करूँगा, इसको नोट करिए पहले। तो आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लो, दस, इफ़ अ सर्किट कंटेन्स ईदर इंडक्टेंस ओनली, इफ द सर्किट कंटेन्स ईदर इंडक्टेंस ओनली और कैपेसिटेंस ओनली, और कैपेसिटेंस ओनली मीन्स देर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, मीन्स देर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, देर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, देन ऑल्दो करंट फ्लोज इन द सर्किट, ऑल्दो करंट फ्लोज इन द सर्किट, एट द एवरेज पावर डिसिपेशन इज जीरो, एवरेज पावर डिसिपेशन इज जीरो, मतलब करंट फ्लो होती है इसके बावजूद जो एवरेज पावर डिसिपेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। प्रैक्टिकली समझ लीजिएगा, नहीं अब जो हम समझा रहे हैं ऐसा नहीं कि वो इसका राइट एक्सप्लेनेशन है, सुनिए ध्यान से, हमको सर्किट में पावर जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, वी और आई चाहिए ना, वी और आई चाहिए ना। अब इंडक्टर क्या करता है, हम वोल्टेज अप्लाई करते करंट को फ्लो ही नहीं होने देता, बदतमीजी करता, नहीं फ्लो होने देंगे, नहीं बाद तो बाद में कब देता, जब वोल्टेज वीक होने लगता है। अब देखिए मतलब इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो वोल्टेज अप्लाई होने से क्या होता है कि करंट फ्लो होने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है। अब जब करंट फ्लो होना शुरू हुई, इलेक्ट्रॉन गए, तो ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बना देता है और ये इलेक्ट्रॉनों को इधर जाने नहीं देता, करंट को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। अब क्या होता है, जब पूरे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ये रास्ता दे नहीं रहा है, यानी वोल्टेज तो है लेकिन करंट नहीं है, तो जब वोल्टेज पूरा धीरे धीरे क्या होता है, वोल्टेज डाउन होने लगता है, इसका वी कम होने लगता है, यानी इसका मैग्नेट में चेंज कम हो गया ना, जब इलेक्ट्रॉन पूरे पहुंच गए, अब नए इलेक्ट्रॉन तो पहुंचेंगे नहीं, जब नए इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगा, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमज़ोर होने लगेगा ना, तो जब कमज़ोर होने लगेगा तब ये करंट को फ्लो करा देगा। अब पता था वोल्टेज हम अप्लाई करके बिल्कुल तवान खड़े हैं, आओ करंट तुम्हारी ऐसी तैसी, और तब तुम करंट को फ्लो नहीं कराए, और जब हमारा वोल्टेज डाउन हो रहा है इसका वोल्टेज, तब करंट फ्लो कराएंगे, घुसो जा करके, हम नहीं आएंगे, जाओ। तो यहाँ पर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा ना। अच्छा कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर अपने पेट भरता रहता है, हम वोल्टेज अप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज जाके वहाँ इकट्ठा कर रहा है, हम कहते हैं वोल्टेज दिखाओ, बोले रुक जाओ प्लेट तो चार्ज हो जाने दो, बड़ा मुश्किल है। और जब प्लेट चार्ज हो गई तब बोले हाँ बताइए आप कितना वोल्टेज दिखाएं, तो करंट नहीं है, करंट जीरो हो गई। भाई जब पूरे इलेक्ट्रॉन जा करके उसकी प्लेट पे स्टोर हो गए तो वोल्टेज तो दिखा दिया 10 वोल्ट, लेकिन करंट अब कितनी है, जीरो। तो इस प्रकार के सर्किट में क्या होता है कि करंट तो होती है, भाई हम करंट की बात कर रहे हैं, लेकिन पावर डिसिपेशन जीरो होता है। तो ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन को आप एग्ज़ाम में
नहीं लिखेंगी, समझ में नहीं आएगा क्या बता रहा है, क्योंकि मैथमेटिकल वहाँ देखा जाता है ना। तो ये आपकी वॉटलेस करंट होती है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत गुस्सा होती है, निकल 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 निकल, आज पता चला कि तो इसका मतलब पावर डिसिपेशन के लिए क्या ज़रूरी है, हिंदा रही है, पावर डिसिपेशन के लिए क्या ज़रूरी है, रजिस्टेंस होना चाहिए। रजिस्टेंस मतलब गुस्सा, हॉटनेस भाई, उसमें जब गुस्सा, कैसी गुस्सा, अंदर अंदर गुस्सा नहीं, दिखे गुस्सा तवार है बिल्कुल, है बिल्कुल लड़ापम हुएगा मुँह बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है। अब आप करो सिलेबस में नहीं है तो कहीं और आएगी, ठीक है, नोट करिए।